बहुत अफसोस से दुख की गल है कि सवा साल निकल गया, डेढ़ साल उन्होंने आया है जब तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो वड्डे वड्डे झूठ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वोटा तो पहले मारे से, कदे सिक्योरिटी नहीं लवांगा मैं तो आम आदमी थोड़े विच ही रवांगा, हजार हजार रुपए बीबिया मैं दवांगा, किसी नूं धरने च बैठन की लोड़ नहीं होगी, टैंकिया में चढ़न की लोड़ नहीं होगी, सरे कच्चियां भी पक्का नौकरियां दित्तियां जाणगियां, किसान नूं खुदकशी करन की लोड़ नहीं होगी, विदेश भज रहे बच्चे विदेशों तो आके हिंदुस्तान वापस आएंगे तो गोरे भी आएंगे इतने काम करने वास्ते, मतलब मैं तो जो गिनन लग जा तो उन्होंने कोई अंत ही नहीं। लेकिन अफसोस की गल की सवा साल जो हो गए ने इन सवा साल टोटली भगवंत मान फेल हो चुके हैं, कल पंजाब नूं करजाई करके साडे अगली पीढ़ी नूं करजाई करके उन्हां पैसों के नाल केजरीवाल नूं चमकाउण च लग्या होया है। केजरीवाल जिहड़े एक अद्धे सूबे का मुख्यमंत्री है तो ये एक इन्ने महान सूबे का गुरुआ पीरों के धरती के लोगों ने इन्नी वड्डी गिनती के नाल भगवंत मान नूं आसा उम्मीदा नाल बनाया, पूरी तरह से अज की तरीक का मैं दावे नाल कह सकती कि पानी फेरता है, सिर्फ जोर ते जबर के नाल अज चैनलों नूं डरा धमका के अखबारों नूं खरीद के लोगों नूं कुट के इस राजनीति के नाल पंजाब चल रहा है। किसान रोज खुदकुशियां कर रहे हैं, जिहड़ा केजरीवाल ते भगवंत मान कहते सी ईमानदार कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री बने तो नशे है खत्म होने के दस दिन च, डेढ़ साल च दसो कि नशा खत्म है तो कि बंदा इन्होंने फड़िया है। कल्ले विरोधियों के उत्ते तुसी झूठे परचे करके लोगों का ध्यान भटकाउण का काम करी जा रहे हो, चलो उदो करी चलो लेकिन लोगों का तो कोई भला कर दो। आज बीबिया नूं 16 महीने च एक एक बीबी के खाते च 16,000 रुपए पहुंच जाने चाहिए सी, 45,000 करोड़ का कर्जा तुसी सूबे के लोगों ने उत्ते चढ़ाता है तो फिर क्यों इन्हां बीबिया नूं अपने पैसे क्यों नहीं मिले, जेड़े जीरो बिल तुसी दे रहे हो बिजली महकमे नूं हर महीने कर्जा लै लैके जीरो बिल भेज रहा है, और जिस दिन वह महकमा बिजली का महकमा ठप होकर डिग जाऊगा तो पंजाब का की हाल होगा। भावे एम एस पी का गल होए, भावे किसानों की खुदकुशी, नौकरियों का, हजार रुपए का, हर वादे तो यह पिछे हटिया है तो पंजाब नूं इन्हे गिरवी करता है दिल्ली के उत्ते, साडी राजधानी के उत्ते साडा हक कमजोर हो रहा। हुण तां पंजाबी भाषा छड्डो, टीवी चैनलों से भी हिंदी एड्स आदि ने, अखबारों में भी हिंदी के एड्स आते हैं, साड़ी भाषा कमजोर की जाए, साढ़े पानिया के नाल पूरा ही समझौता करता है कोई लड़ाई लड़ने वाला, पंजाब के हर पक्षों सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, पंजाब लावारिस हो चुके है क्योंकि हुण केजरीवाल के गिरवी होके असी तो उन्होंने चमकाउण च लगे ने, तो साडा मुख्यमंत्री कदे दिल्ली के इशारे च कदे केजरीवाल के इशारे च कठपुतली की तरह दोनों नचाई जा रहे हैं। जी भाई सारे पार्टियां की मंच ने कल इकट्ठिया दिखाई दिखाई ने, मजिठे साहब ने सिद्धू ने भी जी जफ्फी पाई है कि मैं देख पूरी जरा एक मंच से सारी पार्टियां इकट्ठी। देखो हमदर्द साहब ते अजीत अखबार पंजाब का सब तो पुराना ते सब तो ईमानदार एक अखबार ते इंसान मने जाते हैं, ते एक तरीके दे ना जिवें इंग्लिश च ट्रिब्यून होंदी है जिहड़ी पंजाब की गल करदी है, खेतरी पूरा पंजाब पिंडां विच अजीत नूं पढ़ के अज तई अपनी खबरां का वह खबर लैंदा सीगा क्योंकि भरोसा सीगा कि अजीत च जो छपदा है वह बिकता नहीं हैगा, वह झूठ नहीं मारदा हैगा। लेकिन क्योंकि इस झूठी सरकार नूं हमदर्द साहब ने ते अजीत ने आईना दिखाने का काम किया ते फिर उन्होंने उत्ते इहो जे झूठे इल्जाम ला के तंग परेशान किया जा रहा है, एड्स रोक के अखबार नूं बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिते करोड़ों रुपए के नाल अज दूजी अखबारों नूं खरीदया गया है क्योंकि ये बिके नहीं, इन्हां दी एड्स बंद कर दी सी, जब तां भी नहीं चुके तो फिर इन्हां दे उत्ते विजिलेंस के केस लगा दिए गए। तो शर्म की गल है कि जिथे मीडिया एक थम होता है आजादी का, अज भगवंत मान ने दिल्ली की तरह अज इत्थे भी पूरी डिक्टेटरशिप ला के आपके पैसों के जोर के बल चे भुले ना कि यह ताकत आती जाती रही है, अज तेरे को जो तेरे को नहीं रहूगी तेरा की हाल होगा, तेन बार भी नहीं भजन देना किसी ने, लोगों ने इतने खड़ लिया जो भी सरकार शीशा दिखाता है उदो दबाया जाता है, कला अकाली दल ही है कि जो सरकार शीशा लगातार दिखा रहे हैं, तुम कि देख दो सारे जने चुप हो जाते हैं। अकाली दल तो इन्होंने झूठी भड्डी प्रचार का शिकार हुआ है, 2015 तो कांग्रेस से आम आदमी ने इकट्ठे होके रज के एक श्रोमणी अकाली दल जेडे सूबे के विकास करती सी, गरीबा नू आटा दाल दिंदी सी,
पेंशन बुजुर्गों नूं देंदी सी, शगन दे चैक गरीबां नूं आंदे सी, वजीफे लोकां दे घरे ताईं पहुंचदे सीगे, जे कोई किसान दे उत्ते कोई पीड़ा आंदी सी ते उहनां दी बांह फड़ के उहनूं मुआवजा देंदे सी, इत्थे ताईं मजदूरां नूं वी मुआवजा देंदे सीगे। ते विकास दी तां इहो जी झड़ी कोई शहर नहीं कोई पिंड नहीं जिथे ग्रांटां दे कप्पे जा के कम नहीं होंदे सी, ते तकरीबन 3 लाख नौजवानां नूं नौकरी भी मिली सी। लेकिन पंडी प्रचार इहो जिहा दोनों ने रज के कीता, क्योंकि काम तां करना की सी, पंडी प्रचार करके लोगों के मन च अकाली दल के प्रति नफरत पैदा करके, कदे गुरुआ की बेअदबी, कदे नशे की गल करके पंडी प्रचार करके 5 साल कांग्रेस ने लाह लिता, 1 लाख करोड़ का कर्जा चाढ़ता पंजाब के लोगों के उत्ते, ते विकास का ना कोई काम होया, ना घर घर नौकरी, ना किसी किसान नू कर्जा माफ, बल्कि विकास छड़ो। और सारे मंत्रियों ने 1 लाख करोड़ आपके जेबा च पा के हुण भाजपा के बिच वड़ गए ने आपकी जान बचाने वास्ते, ते बाकी विजिलेंस के शिकार होके या विजिलेंस के घेरे में सलाखा के पिछे बैठे ने, या फिर ये कांग्रेस के प्रधान की जरा राजे वड़िंग की जरा भगवंत मान के सामने घुटने टेक के चुप बैठे ने, उसके बाद ये पंजाब नूं कर्जाई करके फिर ये वड्डे चोर उस तो भी आ गए। जिहड़ा भगवंत मान कहिंदा सी कि बहुत वड्डे वड्डे काम, उहदा झूठ तां मैं दस ही ना, 45,000 करोड़ तकरीबन 1,25,000 करोड़ इन्हें 7 साल च चक लिया कर्जा, तो फिर बीबिया के खाते में पैसे 16,000 हरेक के खाते च क्यों नहीं पहुंचे अज तक, सारे कच्चे मुलाजिम पक्के क्यों नहीं लगे ने, जिहड़ा कहिंदा सी टैंकी च चढ़न की लोड़ नहीं, टैंकिया च अजे क्यों चढ़ी जा रहे हैं, किसान अज भी खुदकुशी क्यों कर रहे हैं, सड़कों च धरने क्यों है, पिछले साल के मुआवजे नहीं मिले, इस साल का तो छोड़ो, कल्ले प्रचार वास्ते उहदे वास्ते पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो पंजाब कर्जाई हो रहे आर्थिक तौर से, बच्चे विदेश जा रहे हैं, तो भगवंत मान जहाज लैके केजरीवाल को चमकाने वास्ते बकरी मगर ले ले दी तरह सारे हिंदुस्तान च।